हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइस, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हाउ टू रीड कैंडलस्टिक पैटर्न्स पार्ट नंबर 6। पार्ट 5 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, शैडो एंड रियल बॉडीज क्या होती हैं, कैसे हम जज करते हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। पार्ट 2 में हमने द डोजी पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 3 में हैमर के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था शूटिंग स्टार के बारे में, एंड पार्ट 5 में इवनिंग स्टार के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब कुछ लोग होंगे जो कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो भैया, अगर आप बाइनरी या फॉरेक्स या शेयर मार्केट कहीं भी इन्वेस्ट करने का मूड बना रहे हो ना, या फिर ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा यार ग्राफ को रीड कैसे करें, तो ये पार्ट्स आपके बहुत हेल्प आने वाले हैं। क्योंकि यार बहुत सारे क्वेरीज मुझे मिलती रहती हैं कि सर हमें कोई प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताइए जहां से हम पेड कोर्सेज ले सके और अच्छे से लर्न कर सके चीज़ों को, देन हम इन्वेस्ट करें। तो भैया कोई ज़रूरत नहीं है यार किसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, सीखने के लिए। यार ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जो पार्ट्स हैं अच्छे से फॉलो करो, चैनल पे जो चीज़ें आ रही है ना उनको अच्छे से फॉलो करो, और चीज़ों को कोई और अलग से एडिशनल चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। सो गाइस, आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं द कैंडलस्टिक स्कैनर के बारे में। तो यार ये जो पैटर्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आने वाले टाइम में सारे पैटर्न्स डिस्कस कर लेंगे, और जस्ट इन वीडियोज़ को देखने के बाद आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स का अंदाज़ा लगा पाओगे, मार्केट का अंदाज़ा लगा पाओगे कि किस डायरेक्शन में रहने वाला है। तो वीडियोज़ को, सीरीज को फॉलो करना मत भूलना। उससे पहले एक चीज बता देता हूं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा आइकन, एक छोटा सा लोगो जहां पे मैंने दिखा रखा है ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम टेक्निकल अवी फैमिली। तो भैया अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हो ना टेलीग्राम पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। करना कुछ नहीं है, लिंक पे क्लिक करो, जस्ट ज्वाइन पे बटन पे क्लिक करो। टेलीग्राम डाउनलोडेड नहीं है तो डाउनलोड कर लो, ठीक है। क्योंकि यार सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या फिर जो चीज़ें आने वाली इन फ्यूचर, तो सबसे पहले अपडेट्स वहीं पे मिलती है टेलीग्राम पे, कोई कूपन कोड हो या सारी चीज़ें कुछ भी। तो टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट ज्वाइन होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो सबसे पहले आप कर ही लो। अब बात करते हैं द कैंडलस्टिक स्क्रीनर की, तो इसके बारे में क्या है ये। तो भैया आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजीज के बारे में सुना होगा, हालांकि मैं भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जो कि आईक्यू ऑप्शन के बेस थी। तो आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अंदाज़ा लगाते हो ना, उसी के ऊपर ये कैंडलस्टिक स्क्रीनर, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी को और इजी कर पाओगे समझने में। जैसा कि आपको पता है, हमेशा से एक ही चीज़ कहता आया हूँ, ट्रेडिंग को बहुत आसान करूँगा आप लोगों के लिए, हालांकि काफ़ी हद तक की भी है और आने वाले टाइम में करूँगा भी। और अगर आपको लगता है कि आपके हल्की सी भी मदद हुई है चैनल से पैसा कमाने में या फिर समझने में इस मार्केट को, तो डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि भैया हमें ये चीज़ सीखने को मिली है या हमारी ये चीज़ में मदद हुई है। क्योंकि हमेशा से आसान भाषा में कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। तो द कैंडलस्टिक स्क्रीनर क्या है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है ये, और इसकी मदद से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अब भैया किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजीज जो हैं बिल्डअप होती हैं बेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीनर, ठीक है। तो कैसे होगा ये चीज़ें, ये आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम रेजिस्टेंस लेवल पे है, ठीक है। तो यार जिनको नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो वो प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, उनको समझ आ जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताना ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाता है, और मैं ये चीज़ चाहता नहीं हूँ। अगर आप समझ पाएँ तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि इतना ही समझाऊँ जितना आप समझ पाएँ। इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ रहे हैं, ये पार्ट्स आ रहे हैं, अदरवाइज ये पूरी होल वीडियो लेके आ जाऊँ मैं 2-3 घंटों की, जिसमें सारी चीज़ें आपको बता दूँ, बट वो चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यूजिंग द कैंडलस्टिक स्क्रीनर, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर की जो कैंडल है, अब लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ग्रीन और रेड में, तो भैया जो ब्लैक कलर की आपको कैंडल दिख रही है वो रेड है, और जो वाइट कलर की आपको कैंडल दिख रही है वो ग्रीन है, ठीक है, अगर हम बाइनरी की बात करते तो। और फॉरेक्स में तो आप सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा आपको स्ट्रक्चर। तो यार जब आपको लगता है रेजिस्टेंस लेवल, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं हम, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, बट अगर एक कैंडल ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी R1 R2 R3 के बेसिस पे जाते हैं, तो ये देखो एक और हमें रेजिस्टेंस लेवल मिलता है ऊपर जाके, ठीक है। तो रिवर्सल कैसे पॉसिबल है, आर देयर रिवर्सल सिग्नल्स, तो भैया ये जो सिग्नल आपको मिलेगा ना, यानी अगर आप स्क्रीनर के बारे में जानते हो किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये देखो यहाँ पे एक सर्कल लग रहा है, यहाँ से रिवर्स होगा मार्केट, डेफिनेटली रिवर्स होगा।
तो ये पहचानेंगे कैसे? तो देखो, सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 R3 वाली स्ट्रेटजी के हिसाब से ये एक और आपको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम एक और आगे स्लाइड जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम स्लाइड आपको मिलेगी ये, माफ़ी चाहूँगा, तो मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप, हमने यहाँ पे आपको कहा था कि रिवर्सल होगा इस पॉइंट पे। देखो, मैंने आपको कहा था यहाँ से रिवर्सल होगा, और डेफिनेटली रिवर्सल हुआ, मार्केट रिवर्सल हुआ। किस तरीके से भैया? अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हो ना, तो सिंगल बेसिस पे मत जाओ। आपको पहले भी कह चुका हूँ, आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करनी है तो आप R1 R2 R3 के साथ जाओ। क्योंकि यार एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता आपको कि आपका मार्केट सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता। डेफिनेटली कर सकता है। उस केसेस में आपको क्या करना है, यानी वर्स्ट केस सिनेरियोज में आपको प्रिपेयर रहना है R1 R2 R3 के साथ। भैया R3 जो है उसको ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। तो यार आपको इस सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर रहना है। और ये देखो, जैसे ही आपको ये सिनेरियो मिलता है, ये सिनेरियो मिलता है, यानी आपका जो सपोर्ट लेवल है, माफ़ी चाहूँगा, आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ये कैंडल हिट कर जाती है, तो उसके बाद आपका मार्केट रिवर्सल होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो स्क्रीनर है ये इस तरीके से काम करता है। आगे चलते, ये देखें यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा ना चार्ट जो है जूम आउट है, ठीक है, जूम आउट चार्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक, अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट लेवल मिला है, और रेजिस्टेंस लेवल की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मिला है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे R1 R2 है। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये मार्केट इस तरीके से रिवर्सल लेगा, देखो यहाँ पे आपको डोजी भी मिल गया, हैमर भी मिल गया, तो डेफिनेटली यहाँ से तो रिवर्स होने ही वाला है मार्केट। इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट स्क्रीनर का मतलब यही है कि आप अपने हिसाब से इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेट कर सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो मार्केट का कि क्या डायरेक्शन रहने वाली है। देखो, मैंने आपको कहा था यहाँ पे डोजी हमें मिल गया था, हैमर भी मिल गया था, तो डोजी और अगर हैमर आपके पास हो तो आपको अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो मार्केट रिवर्सल होना पॉसिबल है, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। देखो यहां पे आपको हैमर मिल गया था, और हैमर मिलते ही मार्केट जो है ब्लैक से व्हाइट कैंडल में रिवर्स हो गया। डोजी मिल गया तो यहाँ पे आपको रिवर्स लेके ब्लैक में मिल गया। तो यही चीज़ें हैं, कब आपको एग्जिट लेना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता लग जाएंगी आपको, कि एंटर कब करना है आपको मार्केट में और एग्जिट कब लेना है। तो देखो यार, बेसिकली ना स्क्रीमर किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे एक स्क्रीमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। यार कुछ लोगों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, लोग सोच रहे होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको डिफरेंस नहीं पता लग रहा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और स्क्रीनर के अंदर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम जब यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे हम कोई पैटर्न नहीं ढूंढते, हम जब हम सपोर्ट की जो लाइन है या रेजिस्टेंस की जो लाइन है उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन जब हम स्क्रीनर यूज़ करते हैं तो उस केस में हम डोजी या फिर हैमर जैसे पैटर्न्स को ढूंढते हैं, और ऐसे पैटर्न्स अगर हमें मिल जाते हैं तो भैया आंख बंद करके फिर ट्रेड ले लो। माफ़ी चाहूँगा, आँख बंद करके तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा है कि ज़्यादातर श्योरिटी रहती है मार्केट की एक ही डायरेक्शन में जाने की। और ये बेसिकली आपको कितने टाइम आर के जो पीरियड है उसमें देखने को मिलेगा, अगर आप 4 आर का सेट करते हो टाइम पीरियड, या फिर 1 आर का सेट करते हो, तो आपको ज़्यादा डोजी और हैमर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब कब आपको एग्जिट लेना है और आपको कब एंटर करना है मार्केट के अंदर, तो देखो यहाँ पे आपको मिला एक डोजी मिला, और जैसे ही आपको डोजी मिला, देखिए जैसे आपको एक डोजी मिला और डोजी मिलते ही आपका जो लेवल है वो मतलब चेंज हो गया मार्केट। तो यहाँ पे जैसे आपको डोजी मिलता है ना, तो यहाँ पे आप सोच लो कि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाना है भैया, बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं। तो यहाँ से आप ले लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड, और यहाँ तक जब तक आपको दूसरा डोजी नहीं मिलता है, तो ये दूसरा डोजी जैसे ही आपको मिल गया, ये लेवल हो गया आपका रेजिस्टेंस का, माफ़ी चाहूँगा सपोर्ट का। तो यहाँ पे देखेंगे ये लेवल आपका सपोर्ट का हो गया, इससे थोड़ा सा नीचे ज़रूर गया, और उसके बाद मार्केट चेंज होगा। एक और डोजी जैसे आपको मिलता है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा मार्केट चेंज हुआ, उसके बाद आपको एक और डोजी मिला, ये भी एक तरीके से डोजी है, ऐसा मत समझो कि जो ब्लैक में मिलेगा वही डोजी है, तो ये भी डोजी है। तो इसमें देखो डोजी मिलते ही थोड़ा सा वापस चेंज हुआ, देखो यहाँ पे डोजी मिला मुझे, और जैसे मुझे डोजी मिला इसका एंड यहाँ तक था। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सपोर्ट लेवल जो है, सपोर्ट लेवल डोजी और हैमर की मदद से जो सपोर्ट लेवल आप बिल्डअप करोगे अपने हिसाब से, वो ब्रेक नहीं होना फिर,
वो ब्रेक नहीं होना इतना, आप याद रख लो, इतना दिमाग में डाल लो कि अगर एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की स्ट्रैटेजी के साथ अगर आपने डूजी और हैमर यूज़ कर लिया तो उसको स्क्रीमर बोलते हैं, स्क्रीनर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पीपीटीज है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, या मेरा समझाना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे आने वाले टाइम में और भी जो पैटर्न्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो यार जरा सा समरी पे आ जाते हैं, तो भैया देखो कन्फ्यूज मत होना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग लेवल है, अलग स्ट्रैटजी है, और अगर उसको यूज़ करते हैं स्क्रीनर के साथ तो उसमें हम डोजी और हैमर के जो पैटर्न है उसको सर्च करते हैं, उनके पैटर्न्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की स्ट्रैटजीज को, और कब मार्केट में एंटर लेना है, कब एग्जिट लेना है, द सेम थिंग हम वहीं पे उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 100% ये वर्क कर जाएंगे, तो भैया हम जिस मार्केट में वहाँ पे 100% का नाम ही नहीं आता, तो ये वर्क कर सकती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये स्ट्रैटजीज वर्क करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन काफी टाइम पे जब वर्क नहीं करती है तो उस केसेस के लिए आपको सपोर्ट 1-2-3 की हेल्प लेनी है और रेजिस्टेंस 1-2-3 की हेल्प लेनी है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो हेल्पफुल आप लोगों के लिए रही होगी, कोई क्वेरी होगी तो जरूर पूछना कमेंट करके। और एक और चीज यार, अगर आपको मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको हेल्प मिली है चैनल से, अगर आप कुछ अर्न करने में या कुछ लर्न करने में समझ पाए हो या फिर चीज़ों में हेल्प ले पाए हो, तो डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना यार, बहुत हेल्प मिलती है आप लोगों की कमेंट से, सजेशन से, फीडबैक से। उम्मीद करूँगा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए होंगे आप, और अगर आप नए हो चैनल पे तो यार भैया बता दूँ, बाइनरी और फॉरेक्स मार्केट, शेयर मार्केट भी स्टार्ट करेंगे, तो बाइनरी फॉरेक्स शेयर मार्केट से अगर पैसा कमाना चाहते हो, रियल टिप्स चाहते हो भैया, सही सही टिप्स चाहते हो, यार मैं तो बताऊंगा कि पैसा कमाना नहीं, पैसा गंवाना नहीं चाहते हो, मैं तो बस इतना कहूंगा कि यार पैसा कमाना सेकेंडरी आता है, बट पैसा पहले बचाना सीखो। तो अगर आप पैसा गंवाना नहीं चाहते तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, क्योंकि वीडियो डालने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी डाल देता हूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि कोई वीडियो ना मिस ना हो जाए, क्योंकि ये सीरीज़ जो है ना, अगर आप एक मिस कर देते हो ना पार्ट, तो सारा देखने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर एक आपको नहीं पता लगेगा डोजी क्या होता है, हैमर क्या होता है, अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो इसीलिए कोई चीज़ें मिस मत करो, साथ चलो चैनल के, और आने वाले टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी ट्रेडिंग आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था और करके भी दिखाया, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ पॉसिबल है। तो गाइज़ मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी धमाकेदार कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।